तो टेक फैमिली अनबॉक्सिंग करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F05 स्मार्टफोन की। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं Amazon एंड Flipkart पे ये स्मार्टफोन आपको 4GB रैम प्लस 64GB वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगा, जिसका प्राइस आपको 6500 अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्राइस फिक्स नहीं होता, Amazon एंड Flipkart पे प्राइस ऊपर नीचे जाता रहता है। ये स्मार्टफोन आपको कम प्राइस रेंज में भी मिल सकता है, तो चेकआउट करते रहना अगर आपको ये स्मार्टफोन बाय करना है। अभी अनबॉक्सिंग करेंगे। वैसे मैं बता दूं कि ये स्मार्टफोन सिर्फ एक कलर में देखने को मिलता है, ट्विलाइट ब्लू कलर में। शो करता हूं आपको जब अनबॉक्सिंग करूंगा, तो सामने की ओर से आपको सैमसंग की बैजिंग ऊपर देखने को मिल जाती है, नीचे आपको सैमसंग गैलेक्सी F05 देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड आपको गैलेक्सी 05 देखने को मिल जाता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता। अनबॉक्सिंग करने लगा हूं, बॉक्स को खुल जा सैमसंग, अभी ओपन नहीं होगा, यहां पर सील लगी हुई है। वेट तो ऐसे करता हूँ, साइड में ऐसे ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन हो गया। बॉक्स में से आपको एक और बॉक्स ऊपर साइड देखने को मिल जाता है, पहले इसको ही चेकआउट कर लेते हैं, फ़ोन बाद में निकालते हैं। इसको ऑफ कर दिया, ऑफ करके यहाँ पर रख दिया, तो सामने की ओर से आपको सैमसंग की बैचिंग देखने को मिलेगी। बैक एंड साइड, अच्छा नीचे से खुलेगा ये। तो सैमसंग के स्मार्टफोन की यार पैकिंग वगैरह अच्छी होती है, ये प्लस पॉइंट होता है इन स्मार्टफोन्स का। चाहे स्मार्टफोन 6000 का है, चाहे 5000 का है, चाहे 30000 का सैमसंग की ओर से स्मार्टफोन मिलता है, तो लेकिन पैकिंग वगैरह एक नंबर होती है भाई। तो इसको साइड में रखते हैं। ये रहा हमारा यूज़र गाइड मेन्यू, जिसको आप पढ़ के देख सकते हो भी कैसे कैसे स्मार्टफोन को यूज़ करना है। वैसे इसकी कोई होता नहीं है, पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज नॉर्मल सेटिंग वगैरह होती है। ठीक है, इसको भी साइड में रखता हूँ। ये रही हमारी केबल, केबल की क्वालिटी अच्छी होने वाली है सच में, बिकॉज ऐसा होता है जो 6-7 हज़ार के बजट रेंज में स्मार्टफोन मिलते हैं ना, उनके लीड की या ऐसे केबल की क्वालिटी अच्छी नहीं देते, लेकिन सैमसंग के स्मार्टफोन का ये प्लस पॉइंट है, दोनों साइड आपको टाइप सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ, अभी दिख रहे हैं आपको। वेट ब्लरी है, अभी दिख रहे होंगे आपको, इसको शो करता हूँ भाई, ये देखो। अभी इसको भी साइड में रखते हैं, दिखाते हैं आपको स्मार्टफोन, देखते हैं और क्या चीज़ें देखने को मिल रही है स्मार्टफोन में। तो आपको इसकी एंड साइड ना सिम इंजेक्टर पिन यहाँ पर शो हो जाएगा। ये रहा हमारा सिम इंजेक्टर पिन, जो कि बॉक्स के पहले पीछे होता था। मैं शो करता हूँ कहाँ पर बोल रहा हूँ मैं आपको, जब इस बॉक्स को हम ऐसे ही करते थे ना, तो यहाँ पर सिम इंजेक्टर पिन दिया होता था, ज़्यादातर स्मार्टफोन में यहाँ पर होता है, लेकिन अभी चेंज कर दिया सैमसंग स्मार्टफोन ने। ठीक है, इसको बाहर निकालते हैं, अभी ये स्मार्टफोन आ गया हमारा बाहर, खुल जा सैमसंग, ओपन नहीं हो रहा, आ गया। स्मार्टफोन चेकआउट कर लो पहले से, आप पीछे से यार, ये ना आपको बैक साइड जो है ना इसकी लेदर पैटर्न के साथ देखने को मिलती है। बैक बहुत सेक्सी है, मतलब 6000 के बजट रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए स्मार्टफोन बहुत अच्छा है भाई। ओवरऑल की बात करते हैं तो आपको ना राइट हैंड साइड यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन देखने को मिलेगा, उसके नीचे आपको ऑन एंड ऑफ बटन देखने को मिल जाता है, एंड बॉटम में आपको सिंगल स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, टाइप सी आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, 3.5mm जैक देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड आपको सिम इंजेक्टर ट्रे देखने को मिल जाती है, ऊपर साइड आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता, बैक साइड आपको दो कैमरे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, उसके साथ साथ आपको LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। फ्रंट की बात करते हैं तो आपको सामने फ्रंट में भी कैमरा यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि 8 मेगापिक्सल के साथ है। रीबूट करते हैं स्मार्टफोन को, देखते हैं अभी रीबूट करने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। इसको यहाँ पर रखते हैं, तो लुक ज़्यादा अच्छा आता है। स्मार्टफोन हमारा जो है वो रीबूट हो गया, अभी यूज़ करते हैं स्मार्टफोन को। तो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आपको साथ में मिल जाती है, लाइक ट्रू कॉलर हो गया, फ़ोन पे हो गया, स्नैपचैट वगैरह हो गया, चलो ये बंदा यूज़ भी करता है। ठीक है, कैमरा क्वालिटी चेकआउट करेंगे, डिस्प्ले से स्टार्ट करें, तो डिस्प्ले से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आपको 6.7 इंच के साथ आपको HD+ इसमें डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है, ये स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं CPU की बात करूँ, इसमें आपको MediaTek Helio G85 देखने को मिल जाता है, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होने वाला है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करूँगा, अबाउट फोन में जाऊँगा यार, बैटरी इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। तो Android 14 पे ये स्मार्टफोन बेस्ड होने वाला, आप सभी के सामने आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारा
ठीक है। वन यू आई 6.1 पर बेस्ड होने वाला है, ओपन सिस्टम एंड्रॉइड 14 होने वाला है, एंड मैंने आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी इसमें देखने को मिल जाता, सॉरी मीडियाटेक ही जो देखने को मिल जाता है G85 जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होने वाला है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। बैटरी की बात करूँ, बैटरी इन्फॉर्मेशन में चलते हैं, तो आपको 5000 mAh की इस स्मार्टफोन में बैटरी देखने को मिल जाएगी, तो एक दिन तो आपका नॉर्मली स्मार्टफोन निकाल देगा, ठीक है। अभी कैमरे की बात करते हैं, कैमरा क्वालिटी कैसी होगी, मैं फोटो एक क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको, बाद में पूरा टेस्ट वगैरह करूँगा कि कैसा है कैसा नहीं है स्मार्टफोन। अबे फोटो डिटेलिंग में अच्छी तरह से लिए, मेरे हाथ चकड़ करो पहले, आप फोटो डिटेलिंग में ले रहे हैं भाई स्मार्टफोन, आई थिंक अच्छा होगा कैमरा इसका, चकड़ करूँगा बाद में, लेकिन अभी तो चलो अनबॉक्सिंग वीडियो कर रहा हूँ, फिर रिव्यू वीडियो करूँगा कि कैमरा कैसा है, गेमिंग के लिए कैसा है, हर एक चीज़, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है, फोटो वीडियो मोड भी मिल जाता है, मोड में क्या देखने को मिलता है, स्लो मोशन मिल जाता है इसमें, फूड मोड भी दिया हुआ है भाई, प्रो मोड भी दिया हुआ है, नाइट मोड, हाइपरलैप्स, ये सारे टेस्ट करूंगा फिर मैं आपको साथ में शो करूंगा। एंड इसमें आपको 8 MP के साथ सेल्फी देखने को मिल जाती है, एंड प्लस पॉइंट नहीं कह सकता, माइनस पॉइंट भी नहीं कह सकता यार, वैसे ये स्मार्टफोन जो है ना ये प्लास्टिक फ्रेम में देखने को मिलेगा, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि इसका जो बैक है ना आपको लेदर फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है, जो लेदर पैटर्न कह सकती हो आप, मतलब इतने बजट रेंज में आपको ये चीज़ मिलना हर एक स्मार्टफोन में नहीं मिलती, ये सच में प्लस पॉइंट हो जाएगा, लाइक 6500 के प्राइस रेंज में ये क्वालिटी आपको बैक साइड में मिलनी, हर एक स्मार्टफोन में आपको ये चीज़ नहीं मिलती। लुक डिज़ाइन वगैरह बहुत अपर है, लाइक अगर आपने कवर नहीं भी यूज़ किया ना तब भी स्मार्टफोन ऐसे हाथों के निशान नहीं झुकने वाले, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है, इतना हैवी स्मार्टफोन नहीं लगता, थोड़ा लाइट वेट ही है, इतना हैवी नहीं होने वाला। ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि जो स्मार्टफोन ना सैमसंग की ओर से 5 to 6000 के बजट रेंज में होते हैं उनका बजट रेंज सॉरी वेट जो है ना वो थोड़ा सा हैवी होता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था ये स्मार्टफोन ना 4GB रैम प्लस 64GB वेरिएंट के साथ देखने को मिल जाएगा, जिसका बजट है 6500, ठीक है। ट्विन लाइट ब्लू कलर में, सिर्फ एक कलर में ये आपको Amazon पे अवेलेबल देखने को मिल जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वैसे अगर आपको ये स्मार्टफोन बाय करना है, चेकआउट करना है, जैसे भी करना चाहते हो आप वैसे ही कर सकते हो, लेकिन मेरे को स्मार्टफोन सच में पसंद आया, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा होगा, अगर आपने अपने मॉम डैड को ये गिफ्ट करना है, दादा दादी नाना नानी उनको आप गिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज ये स्मार्टफोन सीनियर सिटीजन के लिए ज़्यादातर बना है, बिकॉज 4GB रैम के साथ है, अगर 6GB रैम के साथ होता तो मैं कह सकता कि आप भी ले सकते हो, ठीक है। वैसे टेस्ट करूंगा, शायद ये गेमिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए अच्छा होगा, वो अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना, वो आपके लिए हेल्प करेगी आपकी अगर आपने ये स्मार्टफोन बाय करना है, ठीक है। तो यार आई होप कि अभी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो के साथ, ऐसे टेक एंड ट्रैवलिंग के रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह करता रहता हूँ, स्मार्टफोन्स की वीडियोज़ वगैरह करता रहता हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।